हेलो गाइस कैसे हैं आप वेलकम बैक टू लिटरेचर इंफॉर्मेशन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पोइट्री को जिसमें हम डिस्कस करेंगे विलियम बटलर हीट्स को इनको डब्ल्यू बी हीट्स भी कहा जाता है इनकी पोइम द सेकंड कमिंग को डिस्कस करेंगे सबसे पहले इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं एटीन में ये पैदा हुए थे और नाइनटीन में इनकी डेथ हो गई थी ये आयरिश पोइट थे और ये सेंसिटिव पोइट थे इनके फादर लॉयर थे और पोर्ट्रेट पेंटर थे इनकी मदर जो थी वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करती थी उसके अलावा इनकी फ़िलासफ़ी देखी जाए तो एस्थेटिक सेंस थी यानी कि आर्ट ब्यूटी लवर थे ये नॉन बिलीवर थे एथीज़ थे ये स्केप्टिसिज्म पाया जाता है यानी कि इनके वर्क के अंदर उसके अलावा ये डब्लिन आयरलैंड में पैदा हुए थे और लंदन में भी रहे थे ये इन्होंने सोनेट में काम किया पॉलिटिक्स को करीब से देखा लिटरेरी टेस्ट था इनका लेकिन राइटर कम पोइट ज़्यादा लगते थे ये उसके अलावा ड्रामा भी लिखे इन्होंने उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट आयरिश मैन थे जिन्होंने नाइनटीन में नोबल प्राइज़ हासिल किया था अगर हम इनकी पोइम देखें द सेकंड कमिंग को तो वो फ़र्स्ट वॉर के ख़त्म होने के एक साल बाद लिखी गई यानी कि 1919 में और 1921 में पब्लिश हुई डेट्स को आप याद कर लिया करें उनको नोट कर लिया करें वो एम सी क्यूज़ वाइज इंपॉर्टेंट होती हैं अच्छा उसके अलावा इसका टाइटल अगर हम लोग देखें द सेकेंड कमिंग तो ये दो परस्पेक्टिव से लिया जा सकता है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिलीजन वाइज लाइक डी बर्थ ऑफ क्राइस्ट ऑन दी अदर हैंड हम लोग इसको पोल्टिकली वाइज देख सकते हैं यानी कि टू सेटल डाउन द थिंग्स आफ्टर वॉर अगर रिलीजन परस्पेक्टिव से ये है टाइटल तो इसका ताल्लुक़ यकीन क्राइस्ट से है यानी कि रिटर्निंग बैक का और अगर पोलिटिकली वाइज देखा जाए इसका टाइटल तो इसका ताल्लुक आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ आफ वॉर से है क्योंकि चार साल तक लगातार जंग चली थी लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी लॉस ऑफ इनोसेंस डिस्ट्रक्शंस काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर हुआ था ये सब कुछ पोइम में हम लोगों को पेसिमिज्म के एलिमेंट्स दिखेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेंसा वाइज इसको टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर टर्निंग एंड टर्निंग का मतलब वापस आ रही है वाइडनिंग का मतलब फैला हुआ है गायर मतलब सर्कल यानी कि फैला हुआ दायरा है चीज़ें घूम रही हैं उसके अंदर और वो वापस आ रही हैं नेक्स्ट लाइन है द फॉल्कन केन नाट हीयर फॉल्कनर फॉल्कन कहते हैं इकाब को बर्ड को उसके अलावा फॉल्कनर कहते हैं शिकारी को यहाँ पर अब हम लोगों को वो इस लाइन के अंदर बता रहा है कि शिकारी अपने शिकार को देख नहीं पा रहा नेक्स्ट लाइन में वो कहता है थिंग्स फॉल अपार्ट थिंग्स जो हैं यानी कि जो चीज़ें हैं बिखर चुकी हैं द सेंटर कैन नॉट होल्ड सेंटर मतलब मरकज यानी कि मरकज़ अब नहीं रहा सारी चीज़ें बिखर चुकी हैं मेयर अनारकी इज़ लूज अपॉन द वर्ल्ड अनारकी होता है डिसऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्डर होना किसी चीज़ का हर जगह डिस्ट्रक्शन हर जगह डिसऑर्डर कोई डिसिप्लिन नहीं है सब कुछ ख़त्म हो गया है इसकी बात हुई है नेक्स्ट लाइन में वो कहता है द ब्लड डेम्प टाइट इज़ लूज एंड एवरी वेयर द सरिंग ऑफ इनोसेंस इज ट्राउंड ब्लड डिम्प मतलब वो कह रहा है कि खून की नदियाँ बह चुकी हैं टाइड मतलब होता है बहना एंड एवरीवेयर द सेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड यानी कि मासूमियत जो है वो तबाह हो चुकी है ड्राउंड मतलब डूब चुकी है अब इन लाइंस के अंदर क्या उसने कहा है कि एक चीज सामने होते हुए भी सामने नहीं है चीज़ें बहुत बिखर चुकी हैं चीज़ों का सेंटर नहीं है यानी कि कोई अथॉरिटी नहीं है इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक है इंसानियत का नाम व निशान ख़त्म हो चुका है और अगर पॉलिटिकली देखें हम लोग तो इंडस्ट्रीज़ तबाह हो गई हैं इतने अर्से तक मेहनत करके एक चीज़ तैयार करना कोई इमारत हो गई कोई फैक्ट्री हो गई कोई स्कूल हो गया कोई बिल्डिंग हो गई कोई रिश्ता हो गया कोई फ़ैमिलीज़ वग़ैरह बच्चे वगैरह माँ बाप इस तरह की चीज़ें सब कुछ वो कहता है तबाह हो गया और रिलीजियसली अगर हम लोग देखें तो वो कहता है कि हम लोग दीन से दूर हो चुके हैं बस घूम रहे हैं एवी फॉल्कनर का मतलब क्या है हज़रत ईसा की तरफ इशारा है वो कहता है ईसाइट डाइवर्ट हो गई है उनकी तालीमत को पीछे छोड़ रहे हैं हम लोग जो तलीमत दी गई थी हम लोगों को उसके मुताबिक हम लोग लाइफ नहीं गुजार रहे पार्सनस को क्रिटिसाइज़ करता है कहता है वो भी रास्त पर नहीं है इंसान इंसान का दुश्मन हो चुका है एक दूसरे का खून बहा रहे हैं ये लोग हर तरफ़ डिस्ट्रक्शन है डिसऑर्डर है यानि कि वार के हालात भी बता रहा है वो ओवरऑल पॉइंट क्या कहता है कि ऐसे हालात में ज़रूरत है हज़रत ईसा दोबारा आए नेक्स्ट लाइन में वो कहता है द बेस्ट लेक ऑल कन्विक्शंस वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी बेस्ट का मतलब बेहतरीन लोग लेक ऑफ ऑल कन्विक्शंस पुख्ता इरादा की कमी है वर्स्ट जो गरीब लोग हैं फुल ऑफ पैशनेट बहुत पैशनेट हैं इमोशनल है वो कहता है जिन्हें बेहतरीन कहा गया है वो सेल्फिश हो गए हैं बस मटेरियलिस्टिक अप्रोच है सबकी और ग़रीब तो वैसे ही उनका नुकसान हो गया वॉर की वजह से रिलीजियसली वो कहता है जो चर्च के लोग हैं पार्सनस वगैरह वो ही ऐसे हैं तो दूसरों को उन्होंने क्या नसीहत करनी है ठीक है नेक्स्ट टेंसा देखते हैं ये फर्स्ट स्टेंजा था हमारा ओवरऑल हम लोगों की पोइम दो स्टेंजा के ऊपर मुश्तमिल है सेकेंड स्टेंजा है श्योरली सम रेविशन इज़ एट हैंड रेविशन क्या होता है वही वो कहता है कि ऐसे हालात के अंदर वही आनी चाहिए इतने हालात ख़राब हो चुके हैं फिर वो कहता है श्योरली दिकेंड कमिंग इज़ एट हैंड वो कहता है ईसा को आना चाहिए सेकेंड कमिंग को होना चाहिए यहाँ पर वो क्या कहता है कि हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट when अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्परिटूस मंडी ट्रबल्स माई साइट somewhere इन sand ऑफ द डेजर्ट स्परिटुअस मंडी जो है ये एक जगह का नाम है जहाँ पर सारी स्पिरिट्स का इमेज मौजूद होता है वो कहता है कि उस इमेज से निकल कर वापस आए बिग बैंग थ्रीरी का भी यहाँ पर जिक्र हम लोगों को मिल रहा है वो कहता है कि इस ज़मीन को दोबारा से बनने की ज़रूरत है हर चीज़ को रिवाइज़ किया जाए हम बिल्कुल लो पॉइंट पे हैं जीरो पर पहुँच गए हम लोग पोइट बहुत ज़्यादा मायूस दिख रहा है वो कहता है हम मजहबी तौर तो पर भी ज़ीरो हैं और पोलिटिकली भी हम जीरो हैं लैक ऑफ़ रिलीजन है लैक ऑफ ह्यूमनिटी है डिस्ट्रक्शन है, है यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है स्परिचुअल मंडी इसको आप लोगों ने याद रखना है इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ सोल्स जहाँ पर सारी स्पिरिट्स जो होती हैं उनकी इमेज होता है इकट्ठी होती है यहाँ पे और नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है सम इन सैंड्स ऑफ डेजर्ट डेजर्ट ए सिंबल ऑफ लोनलीनेस का वो कहता है दूर तक सहरा टाइप जगह है दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा दुनिया का ऐसा इमेज नजर आ रहा है कि कुछ भी नहीं है जैसे दुनिया बनने से पहले का था अब भी हम वैसे ही खड़े हैं लोनलीनेस है, loneliness है। जैसे दुनिया बनने से पहले था इसलिए सेकंड कमिंग की ज़रूरत है वो ये कहता है और अगर हम लोग रिलीजियसली देखें तो वो कहता है हज़रत ईसा के आने से पहले जो हालात थे वही दोबारा इमेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं हम उनकी टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहे पहले भी लोग इनजस्टिस करते थे हम भी वही कर रहे हैं इसलिए दोबारा ईसा को आना चाहिए दोबारा आके सीधा रास्ता दिखाना चाहिए ये इनजस्टिस सेल्फिशनेस वायलेंस डिस्ट्रक्शन करप्शन इन सब को ख़त्म करने की ज़रूरत है वो कहता है नेक्स्ट लाइन देखें यह स्टेंजा की सबसे मजे की लाइन है कि शेप विद द लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ़ अ मैन अब इस लाइन से क्या पता चला कि सर और धड़ दोनों अलग हैं कहलवाने को इंसान है लेकिन है वहशी जानवर ये आप लोगों ने कार्टून्स में या मूवीज में भी देखा होगा कि आधा इंसान होता है आधा जानवर होता है तो उसका उसने जिक्र किया यहाँ पर वो कहता है पॉलिटिकली अगर हम लोग देखें जंग में हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी हुई थी और रिलीजियसली अगर हम लोग देखें तो हम क्रिश्चियनिटी से दूर हैं बहुत बुरे बीस्ट बन चुके हैं हम लोग कहलवाने को इंसान है लेकिन बन गए जानवर हैं हम लोग ठीक है यहाँ पे बहुत बुरे वाला क्रिटिसाइज कर रहा है वो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये वही स्टेंजा है जो कंटिन्यू चल रहा है अ गेज ब्लैंक एंड पी टीस एज द सन इज मूविंग इट्स स्लो थाइज गेज होता है नज़र ब्लैंक होता है खोखला एक्सप्रेशन लेस हैं हम लोग वो कहता है कि एक्सप्रेशन लेस है हमारी नज़र और हम पिटी लेस हैं सन की तरह सन लाइक like को यहाँ पर हम क्या कहेंगे सिंबल ऑफ क्रेलिटी स्लोथ आइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है वो क्या कहता है वाइल ऑल अबाउट इट रियल शेडोज ऑफ़ द इंडिकेंट डिजर्ट बर्ड्स रियल शेडो क्या है एक डांस की टर्म यूज़ हुई है वो कहता है हम अपने शेडो में एक नाराज़ परिंदे की तरह नाराज़ परिंदे की तरह ऐसे इधर उधर डांस कर रहा हो जैसे इंसान इसका अगर हम लोग देखें मतलब लाइन को देख के उसकी ट्रांसलेशन ये थी और इसके पीछे बैकग्राउंड इसका मतलब क्या था कि हम लेस लाइफ गुजार रहे हैं फ्री ऑफ़ माइंड फ़्री ऑफ़ एक्शन द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो वो क्या कहता है कि ऐसा लगता है दोबारा तारीकी छा गई है ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है हम उस परिंदे की तरह हैं जो डेज़र्ट में एमलेसली घूम रहा है हमें नहीं पता कि मरने के बाद हमसे पूछा जाएगा हमें पता हो अगर इतना दीन का तो हम लोग अपने मज़हब से दूर ही ना हो तो वो यहाँ पर हम लोगों को मज़हब के बारे में थोड़ा बता रहा है उसके बाद क्या कहता है बट नाओ आई नो दैट ट्वेंटी सेंचुरीज ऑफ़ स्टोनी स्लीप वैक्स टू नाइट मेयर बायर रॉकिंग क्राइडल स्टोनी स्लीप क्या है ख्वाब गफलत जहालत की बात करें क्रिटिसाइज़ किया है कि पहले जहालत की लाइफ गुजार रहे थे जैसे मजहब से पहले अब तो मजहब भी है फिर भी पैसी लाइफ गुजार रहे हैं गफलत की नींद सो रहे हैं वैक्सट होता है इरिटेशन प्रॉब्लम इशू डिफ़िकल्टी किसी चीज़ के अंदर होना क्रेडल मतलब होता है बेबी कॉट यहाँ पर उसने कंपेयर किया है कि हम जिस तरह बच्चा एक सोरा होता है ना बेबी कॉट के अंदर पर वो एकदम से डर के उड़ जाता है बिल्कुल वैसे ही वो कहता है कि अब मैं जानता हूँ वो दो हज़ार साल गफलत की नींद हमें ख्वाब की तरह इस वक्त तहजीब लगती थी उस ख्वाब से अब हम लोग जाग चुके हैं एंड वट रफ़ बीस्ट इट्स और कम राउंड एट लास्ट वो कहता है किस तरह रफ़ बीस्ट ने तरक्की कर ली यानी कि इंसान ने हज़रत ईसा ने इंसान को पॉलिश किया था फिर वो कहता है स्लाउचिस टू वर्ड्स बैथल मैन टू बी बोर्न लास्ट लाइन में हम लोगों से वो क्वेश्चन करता है स्लाउचिस मतलब होता है जैसे बच्चा होता है पैदाइश से पहले वो कहता है हमें दोबारा से पैदा होकर दोबारा से न्यू कमिंग को स्टार्ट करना है बैथलम मैन होता है जहाँ चीज़ों की दोबारा से रीबर्थ होती है एक जगह का नाम है ये और एंड पे क्वेश्चन करता है टू बी बोन क्या हमने इसलिए दुनिया में बर्थ लिया था कि हम दोबारा से रीबर्थ के बाद दोबारा से शुरू करें चीज़ों को एंड पे हम लोगों को पोइट पैसिमिस्टिक दिखता है अगर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इस पोइम के ऊपर तो पोइट ने हम लोगों को पेन कन्फ्यूजन वर्ल्ड ऑफ केयर्स के बारे में डिस्क्राइब किया है उसके अलावा बताया है कि आज का इंसान दिखता तो इंसान है लेकिन है बीस्ट रिलीजियसली और पोलिटिकली इन बोथ परस्पेक्टिव और पोइट इज़ क्रिटिसाइजिंग द ह्यूमेनिटी अथॉरटी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है अगर इसकी हम लोग थीम्स देखें तो लॉस ऑफ इनोसेंस लॉस ऑफ रिलीजन डिस्ट्रक्शन वायलेंस आइसोलेशन मीनिंगलेसनेस एनआरकी डेथ होपलेसनेस इन सब की मिलती है बेसिकली डब्ल्यू बी हीट्स ने इस पोएम में बताया कि जो वर्ल्ड था पहले जो ह्यूमैनिटी इनोसेंस और जस्टिस वगैरह के एलिमेंट्स थे वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है दुनिया वैसे ही अंधेरों में डूबी हुई है जैसे क्राइस्ट के आने से पहले डूबी हुई थी और इतने बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुई है तो इसका जो हम लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस दिखे हैं उसके बाद जो हालात थे उसके बाद हम लोगों को सेकेंड कमिंग की ज़रूरत है ये ओवरऑल इस पोइम के अंदर उसने बात की है उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखें दुआओं में याद रखें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ला हाफिज़